राम राम। हम बुंदेली चुगली से माधवी, तुम्हारे देख रहे देश दुनिया में लोकप्रिय उद्भव न्यूज चैनल बुंदेली चुगली। इबरा की जो खबर है वो आ रही राजनगर से। हमारे जो खबरी है रविंद्र मिश्रा भी मौजूद है, आपको लेवा के चल रहे। नगर परिषद प्रांगण में वृक्षारोपण करवे के बाद में आसपास के वातावरण का साफ करवे कराना सबसे अपील करी गई। स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत नगर परिषद और प्रदेश जिला के प्रथम स्थान बनावे के लाने नगर में स्वच्छ सफाई अभियान चल रहा और स्वच्छ साफ रखवे के लाने तमाम प्रयास करे जा रहे हैं। जी के चलत राजनगर नगर परिषद में समाज सेवी और मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा वृक्षारोपण को कार्य करोगे। संगे संगे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखवे के लाने सबसे अपील करी गई। 2021 स्वच्छता सर्वेक्षण मिशन ने उनके अनुसार नगर परिषद के द्वारा नगर में साफ करवे के लाने और स्वच्छ बनावे के लाने तमाम प्रयास करे जा रहे हैं। संगे में आपका बता दें कि जौन जो कचरा है वे आप और जो घर से निकाला थो वो कचरा के वाहन या फिर डस्टबिन में डालो और अपने घर में आसपास सफाई रखो। सुबह शाम जो आपके तो कचरा है उनका एक जगह रखो, फिर कचरा गाड़ी आए उनके बाद में उनका डाल दो, जिससे जो हमारा जो शहर है वो साफ बन पे है। एक चला था आज वृक्षारोपण को कार्य भी करूँगा, जिनमें मुख्य रूप से CMO जगदीश मिश्रा, इंजीनियर आशीष तिवारी, मंडल अध्यक्ष कमलेश पटेल, कमलेश उपाध्याय, शिवम सोनी, हिदायत खान, रामगोपाल वर्मा और बबलू विश्वकर्मा मौजूद रहे। आज जो पेड़ लगाए गए हैं क्या संदेश दे रहे हैं आप इस पेड़ों के माध्यम से? स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 नगर परिषद राजनगर द्वारा जो संचालित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा नगर में लोग साफ सफाई का ख्याल रखें, व्यवस्थित जहाँ कचड़े यहाँ पर डस्टबिन है वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से सारा कचड़ा डालना चाहिए। और पेड़ लगाने का उद्देश्य है कि जो यहाँ पर कचड़ा आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा वातावरण दूषित ना हो, इसलिए यहाँ पर पेड़ लगाए गए इस ग्राउंड में, क्योंकि यहाँ पर पहले से कचरा के लिए जो बनाए गए हैं यहाँ पर, और ताकि यहाँ पर जो सूखा कचरा, गीला कचरा और जो वैसे खतरनाक कचरा, वो तीनों चीज़ों को अलग अलग करके ये सब यहाँ काम चलेंगे। इससे जो भी वातावरण दूषित होगा तो पेड़ों के माध्यम से उसका शुद्धिकरण हो सके और लोगों को शुद्ध वायु मिल सके और छाया मिल सके। लगभग कितने पेड़ लगाए गए? अभी हम लोगों ने आज यहाँ पर 10 से 12 पेड़ लगाए हुए हैं और सब छायादार हैं, कुछ फलदार हैं, तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर ये पेड़ लगाए गए हैं। और इसमें हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष कमलेश पटेल जी का विशेष सहयोग रहा है और हमारी पूरी टीम, नगर परिषद के माननीय मिश्रा जी और तिवारी जी और उसके साथ साथ हमारे सोनी जी हैं और साथ में हमारे आदरणीय बड़े भाई शर्मा जी हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी का विशेष सहयोग और इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आज है वृक्षारोपण रखा गया। जो आती देखो भैया ईबेरा की बड़ी खबर, ऐसे ही खबरें हम माधवी तुमन तक ले उतरे भी। अब एक आ है एक दो दिन तना खबरें जो है हट के मिलने का, जो हमारी टीम है भोपाल चली गई तो पूरी जो जिम्मेदारी वो हमारे सिर पे आ गई। जैसी हो रही हम आप तक खबरें पहुंचा रहे लेकिन पूरी पहुंचा भी, सो आपका भी तरह जिम्मेदारी निभाने हैं। हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और फेसबुक पर जाकर लाइक शेयर तो करने ही है। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपके सुनहरे भविष्य के निर्माण में आपका साथ देने के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है आपके भविष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो आज ही संपर्क करें और प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी में, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी।